इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे हंगरी टी10 के दोस्तों आज के होने वाले सेकेंड मैच के बारे में। दोस्तों आज का सेकेंड मैच UCB और दोस्तों DAB टीम के बीच खेला जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोनों टीमों का अभी तक टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और आज के मैच में आप स्मॉली खेल रहे हो तो किस टीम को फेवर कर सकते हो, क्या रेशियो रहेगा आपका कम्बिनेशन का। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों UCB टीम, तो दोस्तों ये टीम अभी तक टूर्नामेंट में टोटल 8 मैच के लिए, जिसमें दोस्तों इन्होंने 6 मैच विन किया और 2 मैच दोस्तों इनका लॉस रहा है। और वहीं दोस्तों DAB की टीम अभी तक टूर्नामेंट में 7 मैच के लिए, जिसमें दोस्तों इन्होंने 3 मैच विन किया है और दोस्तों 4 मैच इनका लॉस रहा है। तो यदि दोस्तों आप इस मैच में कम्बिनेशन बना रहे हो तो मैं दोस्तों सिंपल सा आपको रिकमेंड करूँगा, यदि दोस्तों UCB की टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है तो कोशिश कीजिएगा 70-80% कम्बिनेशन हम लोग UCB को ही फेवर करें। हाँ, बैटिंग फर्स्ट करें तो फिर दोस्तों आप स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में आप 6-5 का कम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि इस मैच में 7-4 का कम्बिनेशन हम लोग UCB को फेवर करके, यदि ये बॉलिंग फर्स्ट करती है तो ज़रूर ट्राई करें, ठीक ना। क्योंकि 7-4 का कम्बिनेशन में भी दोस्तों कम लोग लेके आएंगे, तो टस के अकॉर्डिंग ये चीज़ आप लोग कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मैं अभी आपको वीडियो में टीम दूंगा, टस को ध्यान में रख के उसमें कोई भी चेंजेस करना होगा तो फाइनल कम्बिनेशन मैं आपको फिर से अपडेट करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे दोस्तों तो आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से। विकेट कीपिंग सेक्शन में आएगा तो दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा यू काजला, जो दोस्तों आपके लिए देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट पिक है विकेट कीपिंग सेक्शन से। जैसा दोस्तों इनका परफॉर्मेंस रहा है पूरे टूर्नामेंट में, स्टार्टिंग के मैच में दोस्तों इनको 4 नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेजा जाता था, लेकिन तब भी दोस्तों बंदा अपना बेस्ट करके जाता था, लेकिन अब दोस्तों इनको फर्स्ट राउंड बैटिंग करने के लिए भेजा जा रहा है, और दोस्तों अब तो ये टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं तो बैटिंग से और ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो कैप्टन बीसी के लिए भी दोस्तों आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एम खान का ऑप्शन मिलेगा। अब दोस्तों देखो एम खान ना ऐसा प्लेयर है, हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, यदि जिस दिन चलता है दोस्तों आपको अच्छा खासा स्कोर करके जाता है, नहीं चलता है तो दोस्तों फ्लॉप होता है। और इस मैच में दोस्तों जो सामने टीम है UCB की टीम, इनका दोस्तों बॉलिंग स्ट्रांग है, तो यदि दोस्तों आप इस मैच में एटलीस्ट ग्रैंड लीग और मिनी जीएल में इनको ड्रॉप करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, ले सकते हो, ठीक ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा ओपन बैटिंग करने आएंगे। फिर नीचे आएगा वीर रविंद्रन को दोस्तों मैं टीम में रखूंगा। देखो इनका रिसेंट मैचों में बैटिंग से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन दोस्तों बड़ा प्लेयर है, हंगरी को दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड बॉलिंग दोस्तों कर ले रहे हैं, इधर आप लास्ट 3 मैच से देखो तो 2-2 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए ऑलराउंडर वाला काम कर रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें टीम में बैक कर रहा हूँ। अब बात करें दोस्तों हम लोग बैटिंग सेक्शन, तो बैटिंग सेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन आपको के अहमद, जो आपके टीम में दोस्तों डेफिनेटली होने चाहिए, बिकॉज आपको 2 ओवर बॉलिंग के साथ साथ आपको सभी मैच में फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे। फिर नीचे आएगा एस मेहता, लास्ट 2-3 मैच इनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग किया है, सभी मैच में आपको 2-3 विकेट प्रोवाइड करे, ड्रॉप दोस्तों आपको करना नहीं है, डेफिनेटली आपके टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट पिक है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एच नूरी का ऑप्शन मिलेगा। अब दोस्तों नूरी देखो बॉलिंग फर्स्ट में, DAB की टीम यदि बॉलिंग फर्स्ट करती है तो आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन बॉलिंग सेकेंड में दोस्तों आप इस प्लेयर पे रिस्क ले सकते हो, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। मान के चलो दोस्तों DAB की टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है और बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाती है, और UCB टीम की दोस्तों मे बी स्टार्टिंग में ही दोस्तों मैच खत्म कर देती है 6 ओवर 7 ओवर, और बहुत ज़्यादा इनका विकेट नहीं गिरता है, तो दोस्तों एच नूरी आपके लिए फिर काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि एच नूरी बैटिंग से स्कोर कभी भी नहीं करते, जो आपको पॉइंट देंगे एज अ बॉलर देंगे, तो बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू बॉलिंग सेकेंड। फिर नीचे दोस्तों आपको जे मिडल का ऑप्शन मिलेगा, ये दोस्तों आपके लिए बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू बैटिंग सेकेंड। रीजन क्या है बैटिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों देखो 4 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, ठीक ना, बैटिंग फर्स्ट में हाई चांस रहता है कि इनको दोस्तों थोड़ा ज़्यादा बॉल मिलेगा खेलने के लिए, कि आपको मैक्सिमम फैंटेसी पॉइंट देंगे स्कोर करके, लेकिन बैटिंग सेकंड में दोस्तों इनको कम बॉल मिलता है खेलने के लिए, और वहाँ पे दोस्तों ये आपको कम फैंटेसी पॉइंट देते हैं, तो ये रोटेशन आपको ध्यान रखना है, टस के अकॉर्डिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर नीचे दोस्तों एस मधु आपको 3 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे, बट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, इसी वजह से मैं इन्हें अभी ड्रॉप कर रहा हूँ। अब बात
करें दोस्तों हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन, तो ऑलराउंडर सेक्शन में ए दारापुर रेड्डी इस मैच के दोस्तों बेस्ट कैप्टन के लिए ऑप्शन है, तो आपके लिए डेफिनेटली सभी कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, ठीक ना। ड्रॉप दोस्तों आपको इन्हें नहीं करना है। फिर नीचे दोस्तों आपको ए खान का ऑप्शन मिलेगा। ए खान दोस्तों देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, ए खान ना लास्ट दो मैच से मैं देख रहा हूँ आपको ये ओपन बैटिंग करने आ रहे हैं और दो दो ओवर का बॉलिंग कर रहे हैं। स्टिल दोस्तों ए खान का उतना अच्छा बैटिंग से टूर्नामेंट नहीं जा रहा है, बट आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे और स्मॉल लीग में तो डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए और सेलेक्शन भी काफ़ी आई है। फिर नीचे आएगा दोस्तों टी हाफिज का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक रोटेशन दे, रोटेशन क्या है दोस्तों, यदि डीईबी की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है टी हाफिज को रख लेना, आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे। बॉलिंग फर्स्ट करे तो आप इधर से एच नूरी को रख लेना, ठीक ना। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एस त्यागी का ऑप्शन मिलेगा। देखो दोस्तों 3% सिलेक्शन है, लेकिन मैं दोस्तों इस प्लेयर को बैक करने वाला हूँ। लेफ्ट आर्म बॉलर है, पावर प्ले में बॉलिंग करता है, लाइन लेंथ इनका बहुत अच्छा होता है, विकेट नहीं मिल पाता है, बस इसी वजह से इनका सिलेक्शन आपको इतना कम दिख रहा है, लेकिन लाइन लेंथ इनका बहुत अच्छा रहता है, तो मैं इन्हें बैक कर रहा हूँ। जिनको भी सेफ जाना हो, सिलेक्शन परसेंट के साथ जाना हो, तो आप इन्हें दोस्तों ड्रॉप कर सकते हो। फिर नीचे दोस्तों आपको एस फैस का ऑप्शन मिलेगा। बॉलिंग दोस्तों इनको कंप्लीट सभी मैच में दो दो ओवर का मिल नहीं रहा है और विकेट भी नहीं ले पा रहे, इसी वजह से मैं स्मॉलिंग में नहीं रख रहा हूँ। जीएल में बॉलिंग फर्स्ट में आप कंसिडर इन्हें कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों हम लोग बॉलिंग सेक्शन, तो बॉलिंग सेक्शन में जी अब्बास दोस्तों खेल नहीं रहे हैं लास्ट दो मैच से, सॉरी तीन मैच से नहीं खेल रहे हैं, तो इसी वजह से मैं इन्हें अभी टीम में नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट मैच इन्होंने खेला था उस टाइम दोस्तों इन्हें चोट लग गया था और अभी तक दोस्तों खेल नहीं रहे, डेट मीन्स इंजरी इनका सही नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी टीम में नहीं रख रहा हूँ, लेकिन खेलेंगे तो डेफिनेटली हम लोग के टीम में रहेंगे। फिर नीचे आएगा एफ इकबाल। एफ इकबाल का दोस्तों लास्ट दो मैच बॉलिंग से काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन स्टिल बैटिंग दोस्तों देखो तो वो ऊपर टॉप ऑर्डर में नहीं कर रहे हैं, बैटिंग दोस्तों ये नीचे ही करने आ रहे हैं, तो आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन सामने दोस्तों जो टीम है ना उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, चाहे ए दारापुर रेड्डी ले ले, चाहे दोस्तों भी रविंद्रन ले ले, तो ये आप रख रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप रखो तो मैं रिकमेंड करूँगा क्या करना, भी रविंद्रन पे आप रिस्क ले लेना ड्रॉप करके, ठीक ना। ये क्योंकि देखो यदि आप प्लेयर को बैक कर रहे हो तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बॉलिंग कहाँ करता है और किसको बॉलिंग करेगा और किसको आउट कर सकता है। मैं दोस्तों अभी के लिए नीचे से यू आइब और दोस्तों यू गोड़ी को मैं अपने लास्ट दो ऑप्शन के लिए रख रहा हूँ। हाइब को दोस्तों रखने का रीज़न क्या है दोस्तों, डेथ में आपको एक ओवर बॉलिंग करेगा और सेम दोस्तों यू गोड़ी भी आपको एक ओवर डेथ में बॉलिंग करने आता है, तो इसलिए मैं डेथ बॉलर को अपनी टीम में बैक कर रहा हूँ। और देखो जिनको भी आपको ट्राई करना हो एफ इकबाल को कर सकते हो, क्योंकि ये पावर प्ले में बॉलिंग करती तो थोड़ा सा आपको रोटेशन पे भी फोकस करना पड़ेगा यदि आप इन्हें रखना चाहो। फिर नीचे दोस्तों आपको आर राजेंद्रन, दोस्तों बॉलिंग इन्हें सभी मैच में मिलता नहीं इसलिए मैं आपको बैक नहीं करूंगा। ट्राई करना हो तो दोस्तों एफ आतिब और एफ इफार यदि खेले तो दोस्तों आप एक प्लेयर को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, दोनों को एक टीम में कभी भी मत करना, क्योंकि दोनों का दोस्तों बॉलिंग का फिक्स नहीं रहता है। समटाइम दोस्तों आपको ये एक ओवर करेगा तो समटाइम आपको ये दोस्तों एक ओवर करेगा, तो इसलिए दोनों को एक टीम में कभी भी नहीं रखेगा। अब बात करें दोस्तों इस मैच से रिलेटेड हम लोग कैप्टन बीसी ऑप्शन, तो कैप्टन बीसी ऑप्शन बताने से पहले दोस्तों बात कर ले हम लोग अपने गिव अवे क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में बताना है कि दोस्तों यू काजला आपको इस मैच में कितना रन स्कोर करके देगा। अब गिव अवे का कमेंट दोस्तों आपको कहाँ करना है, तो नीचे दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। करना कैसे है तो हैशटैग शर्मा फैंटेसी ग्रुप लिखिएगा, फिर दोस्तों आपको नीचे यू काजला लिख के और आपको जितना लगता है कि वो इस मैच में स्कोर करेंगे वो आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। हाँ, कमेंट करने से पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों यदि आपका कमेंट सही रहता है तो आपका जो YouTube आईडी है उसका मेरे को इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा YouTube के द्वारा। बात करें दोस्तों कैप्टन बीसी ऑप्शन, तो कैप्टन तो दोस्तों मैं ए दारापुर रेड्डी को ही करूँगा। वाइस कैप्टन दोस्तों यू काजला खराब ऑप्शन नहीं रहेंगे, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। फिर के अहमद दोस्तों बॉलिंग फर्स्ट में एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, बॉलिंग सेकेंड में मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। और नीचे से दोस्तों किसी पे आप रिक्स लेना चाहो तो ए खान पे आप ले सकते हो, वही ए खान का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, इसीलिए मैं अभी के लिए दोस्तों वाइस कैप्टन यू काजला को किया हूँ, लेकिन देखूंगा टॉस के बाद दोस्तों कोई चेंजेस करना होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए दोस्तों आप लोग इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए, कोई भी चेंजेस जैसा मैंने बोला आपको टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा। तो आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों
यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक ना दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट टीटेन के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।